15 किलो अवैध गांजा के साथ दो तस्कर किए गए गिरफ्तार, जिसमें 2,06,000 रुपए नकद किए गए हैं बरामद। आइए देखते हैं क्या है खबर। जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा बादा द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार थाना कोतवाली नगर द्वारा दो अभियुक्तों को 15 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। थाना कोतवाली शहर बांदा पुलिस को मुखबिरों की खास सूचना से प्राप्त हुई चौकी कालू कुआं पलहरी के पास मोटरसाइकिल से कहीं से आए तथा उनके पास झोले में गांजा है। सूचना में तत्काल संज्ञान लेकर प्रभावी चौकी बलखंडी नाका के साथ हमराह पुलिस बल को रवाना हुए। मौके पे पहुंचे पुलिस तो पाया गया कि दो मोटरसाइकिल पर सवार बैग लेकर बैठे थे। पुलिस जवानों ने देखते ही देखते उन मोटरसाइकिल पर सवार दोनों लोगों को धर दबोचा। तलाशी से बैग में रखा सूखा गांजा बरामद हुआ। 2,06,000 रुपए नकद भी बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा अपना नाम शैलेंद्र सिंह बताया। कोतवाली नगर बांदा द्वारा की गई गिरफ्तारी एवं बरामदी के संबंध में अभियुक्तों पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बुंदेलखंड से अजय यादव की रिपोर्ट। कल कोतवाली नगर क्षेत्र में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध गांजा लेकर के बिक्री के उद्देश्य से मनहरी गांव के पास में खड़े हैं। इस सूचना पर विश्वास करके वहां पर तत्काल चौकी इंचार्ज बलखंडी नाका और उनके साथ फोर्स वहां भेजा गया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी से उनके पास 15 किलो गांजा और 2,06,000 रुपये वहां बरामद हुए और इस संबंध में दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और अभियोग पंजीकृत कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।